आई एम माधुरी एंड वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए मीशो के कुर्ता सेट का रिव्यू लेकर के आई हूँ। ये वाला जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें एक ही कुर्ता सेट का रिव्यू शेयर करूँगी। जो आपने थंबनेल पर देखा होगा उसी कुर्ता सेट का मैं आज रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। गाइस, डेफिनेटली मेरे और हॉल्स आने वाले हैं कुर्ता सेट्स पर अंडर 500 में, वो आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में कुर्ता सेट्स को शेयर करूँगी। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लिसन टू द वीडियो। तो गाइस, आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा स्क्रीन पर और ट्राई ऑन हॉल पार्ट भी साइड में दिख जाएगा। सो मैं सबसे पहले इसका जो प्लाजो है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सो ये कुछ इस तरीके का प्लाजो हमको रिसीव हो जाता है। सो इसमें ये इलास्टिक दी हुई है इन्होंने इस तरीके से, तो सेमी इलास्टिक नहीं है, फुल्ली इलास्टिकेटेड है। ये जो है जॉर्जेट मटेरियल में है और स्ट्रेट है, देख सकते हैं आप, इस तरीके से स्ट्रेट प्रोवाइड कराया उन्होंने। सो फ्लेयर वाला प्लाजो नहीं है, हमको स्ट्रेट मिल जाता है जॉर्जेट में, और इसके अंदर हमको इस तरीके से लाइनिंग प्रोवाइड कराई है इन्होंने। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लोरल प्रिंट में आता है, ये ग्रे ग्रे से इसमें फ्लावर्स हैं, रेड कलर के फ्लावर्स इन्होंने प्रोवाइड कराए हैं। और ऑल इन ऑल मेरी जो लेंथ है वो 5.2 है, और उसके अकॉर्डिंग ये मुझे सही आ रहा था। एंकल लेंथ भी कर सकते हैं आप इसको, फुल लेंथ भी पहन सकते हैं, क्योंकि ये फोल्ड हो जाता है ऊपर से और हाई वेस्ट में है, तो आप इसको ईजीली कैरी कर सकते हैं। और ये 5.5 लेंथ वालों तक को आराम से आ जाएगा। काफ़ी अच्छा सॉफ्ट मटेरियल प्रोवाइड कराया है इसमें इन्होंने, तो ये इसका प्लाजो है। नेक्स्ट जो इसका कुर्ता है वो कुछ इस तरीके का हमको रिसीव हो जाता है। सो ट्राई ऑन भी आपको साइड में दिख रहा होगा। सो इस साइज़ लिया है वो एल साइज़ है, और एल साइज़ मुझे थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना साइज़ देख लेना। वैसे मुझे एल साइज़ सही आता है, बट इसमें थोड़ा सा लूज़ हो रहा था, तो आप एक साइज़ छोटा लेना तो आपको सही आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसमें चोली पैटर्न में दिया हुआ है, तो इतना हमको चोली पैटर्न में मिल जाता है। देन हमको यहाँ पर सारी प्लीट्स मिल जाती हैं, आगे पीछे दोनों तरफ प्लीट्स प्रोवाइड है। और इसकी जो लेंथ है मुझे लेंथ से थोड़ा सा ऊपर था, तो उसके अकॉर्डिंग लेंथ वाइज अगर आपकी लेंथ मेरे जितनी है तो आपको ये सही आएगा और ये सबको आ जाएगा। जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट है, और अंदर जो लाइनिंग है ये रियॉन मटेरियल में दी हुई है। एंड गाइस, इसमें जो स्टिचिंग है वो बहुत ही सही वाली की हुई है, स्टिचिंग ख़राब नहीं है, बहुत सही है। और फैब्रिक भी एकदम सॉफ्ट है, पहनने पर आपको ऐसे नहीं लगता है कि चुभ रहा हो या कुछ प्रॉब्लम हो रही हो वियर करने में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा सही लगता है ये पहनने पर। और इसका जो नेक है वो राउंड मिल जाता है हमको, पीछे हल्का सा कर्व है। स्लीव्स इसकी फुल मिलती हैं हमको, फुल स्लीव्स में ये रिसीव होता है, मतलब आपको पूरे हाथों तक आने वाली इसकी स्लीव्स। और ये जो है ट्रांसपेरेंट है, आपको दिख रही होगी, तो ये ट्रांसपेरेंट है, जॉर्जेट मटेरियल में है, और पूरे कुर्ता में लाइनिंग है। गाइस, इसकी जो स्लीव्स है उसमें लाइनिंग नहीं है, कुर्ता में पूरे में लाइनिंग है। और प्लीट्स भी काफ़ी सही है, मतलब आगे पीछे इसका घेर भी ठीक है बाकी, और आपको इसका ट्राई ऑन में घेर दिख जाएगा कितना है। सो घेर भी सही है, आप देख सकते हैं इसका प्रिंट कैसा है। सो उन्होंने मेंशन तो इसका जॉर्जेट किया था, और मुझे जॉर्जेट ही रिसीव हुआ है। देन हमको इसका जो दुपट्टा है वो कुछ इस तरीके का रिसीव हो जाता है, तो ये भी जॉर्जेट मटेरियल में, जेट ब्लैक दुपट्टा है, आप देख सकते हैं। इसमें जो ये लेस है इन्होंने इसी फैब्रिक की अटैच की हुई है, इसी फ्लोरल प्रिंट वाले फैब्रिक को ही इन्होंने लेस बनाकर इसमें अटैच किया हुआ है। और इस तरीके से ये ब्लैक कलर का आप देख सकते हैं अच्छा सा दुपट्टा है। इसमें बस एक ही ख़राबी है कि इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर के आसपास की है, और इसकी जो कुर्ता है उसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ थोड़ी और ज़्यादा होती तो ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला कुर्ता सेट। तो इसकी लेंथ अगर आप इसको नेक में ऐसे वियर करते हैं तो पीछे बहुत छोटा दिखता है, आप देख सकते हैं कितना सा है ये दुपट्टा, छोटा भी नहीं है बट ज़्यादा लंबा भी नहीं है, एकदम ठीक है, काम चलाऊ है ये सोच सकते हैं। सो दुपट्टा ऐसा है। एंड गाइस, अगर आप पिक्चर को देखकर सोच रहे हैं कि सिमिलर है, तो प्रिंट वगैरह सब सिमिलर है, बट इसका जो फैब्रिक है आप देख सकते हैं ये जेट ब्लैक नहीं लगता है, आप इसको थोड़ा पास से देखिएगा, तो ये मटमैला सा जो ब्लैक कलर होता है ना, वैसा सा कुर्ते का है। जो दुपट्टा है वो जेट ब्लैक है, बट कुर्ता और जो प्लाजो है इसको आप देख सकते हैं, ये जेट ब्लैक नहीं मिलता है हमको, इस तरीके से हमको ये मिल जाता है जैसे मटमैला सा है, और ठीक है, फिर भी इतना बुरा नहीं है, अच्छा लग रहा था, प्राइस वाइज वर्थ इट है, टोटली वर्थ इट है, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं जो मतलब इसी कुर्ता प्लाजो सेट को 500, 600, 1000 ऐसे सेल कर रहे हैं। सो मैंने जैसे लिया है, मैंने 800 रुपीज़ के आसपास का लिया है। सो मैं प्राइजेस स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। एंड गाइस, प्राइस वाइज टोटली वर्थ इट है,
मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी प्राइस वाइज। बाकी अगर आप सोच रहे हैं पिक्चर देखकर कि एकदम वैसा जेट ब्लैक आपको रिसीव होगा, तो उतना ज़्यादा जेट ब्लैक और उतना ज़्यादा घेर हमको नहीं मिलता है इस वाले कुर्ते में। बट ट्राई ऑन में आप देख लेना, ठीक है, प्राइस वाइज टोटली वर्थ इट है, आप ले सकते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल, इस कुर्ते के लिए मेरा यही रिव्यू था। और गाइस अगर आपको और भी कुर्ता सेट्स पर रिव्यू चाहिए हो तो मेरे चैनल पर आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं काफ़ी सारे हॉल्स शेयर करती रहती हूँ। और अभी मेरे चैनल पर काफ़ी सारे फ्लिपकार्ट हॉल और अजियो हॉल्स आने वाले हैं कुर्ता सेट्स पर अंडर 500 में। सो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और उसमें मैं काफ़ी सारे कुर्ता सेट्स शेयर करूँगी। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।